हेलो एवरीवन, वेलकम टू एज के 5। आज के मैथ को शुरू से अंत तक अवश्य देखेंगे, क्योंकि ये मैथ बड़ा इम्पोर्टेंट है और ये 2004 का बैडमिंटन में आ चुका है। प्रश्न है, गेट सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। पहला, 1/2x - 1/y = -1, और दूसरा इक्वेशन है 1/x + 1/2y = 8, वेयर x is not equal to 0 एंड y is not equal to 0, यानी x और y का मान 0 नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से सॉल्व करना है। तो लेट अस स्टार्ट सॉल्यूशन। गिवेन वन बाई टू एक्स माइनस वन बटा वाई इज इक्वल टू माइनस वन, ये इक्वेशन आपका 1 है, इक्वल टू 8, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब हमें इसका देखना है कि कैसे सॉल्व करेंगे। अब इसमें से हमें x और y का मान ज्ञात करना है और इसका सॉल्यूशन हमें कैसे करना है इसे देखना है। x और y तो डिनोमिनेटर में दिए हुए हैं, तो नोमिनेटर में हम कैसे लाएंगे? तो यहाँ पर हमें दूसरी फार्मूला अपनानी पड़ेगी, ट्रिक्स अपनाना पड़ेगा। लेट 1/x = m एंड 1/y = n। देयरफॉर 1/2m - n = -, और m - 2n = -2। अब ये इक्वेशन हमारा हो गया 3। एंड फ्रॉम 2 है ना, 1/x है, तो ये हो गया m + 1/2n = 8, और 2m + n = 16, ये हमारा हो गया 4। इक्वेशन 3 = 4 × 2, देयरफॉर इक्वेशन है 3 है m - 2n = -2, और ये 3 4 है, 2 गुणा करना है तो ये हो गया 4m - 2n = 32। और इसे जोड़ना है तो ये तो हो गया 5
एम, और इससे ये चला गया, बराबर हो गया 30 यहाँ, एम इज इक्वल टू 30/5 इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू 6। लाओ अब यहाँ एम का मान हो गया 6, ठीक है। लाओ पुटिंग वैल्यू ऑफ एम इन इक्वेशन 3 -2 इज इक्वल टू -2 और -2 इज इक्वल टू -2 -6 बराबर ये -8 हो जाएगा। ये 6 प्लस है इधर आया, 6 प्लस है इधर आया तो माइनस हो गया, तो ये हो गया -8। अब माइनस माइनस रिप्लेस कर देते हैं क्योंकि दोनों तरफ है, और 2n इज इक्वल टू 8 देयरफॉर n इज इक्वल टू 8/2। इज इक्वल टू 4 हो गया, देयरफॉर n इज इक्वल टू 4। ये हमारा एम और एन का मान निकल गया। ला हुआ एम इज इक्वल टू 1/8 एंड एन इज इक्वल टू 1/y देयरफॉर एक्स बराबर 1/m एंड वाई इज इक्वल टू 1/n देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 1/m। m का मान कितना है, 6 है, तो 1/6 हो गया एंड y इज इक्वल टू हो गया 1/n। n कितना है, n का मान 4 है, तो ये 1/4 हो गया। आंसर हुआ x और y का मान। इस प्रकार से हमने x और y का मान ज्ञात किया 1/6 एंड 1/4। अब इसी तरह से ऐसे प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है। अब इसी मैथ को हम दूसरे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहले मेथड में हमने 1/x और 1/y का मान m और n मान करके आगे बड़ा सॉल्यूशन किया, लेकिन अब हम जस के तस सॉल्यूशन करना चाहते हैं क्योंकि बहुत टफ नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो चलिए अब इस सिंपल प्रोसेस हम अपनाते हैं सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन में गिवन तो 1/2x माइनस 1/y इज इक्वल टू -1
ये इक्वेशन आपका वन है और वन बटा एक्स प्लस वन बटा टू वाई इज इक्वल टू एट, इक्वेशन टू हो गया। ठीक है ना, अब हमें इलिमिनेट करना है, हम एक्स को इलिमिनेट करें या वाई को इलिमिनेट करें ये हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि हमें जो इजी लगेगा वही करेंगे। तो हमें वाई को इलिमिनेट करना आसान लगता है, क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है, जोड़ेंगे तो बराबर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए एक बटा दो वाई है, तो एक बटा टू वाई करने के लिए यहाँ वन बाई टू से गुणा करेंगे इक्वेशन वन में, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन वन इंटू वन बाई टू प्लस इक्वेशन टू हो जाएगा वन बाई टू इंटू वन बाई एक्स माइनस वन बाई टू वाई इज इक्वल टू माइनस वन इंटू वन बाई टू, और ये हो जाएगा वन बाई एक्स माइनस प्लस वन बाई टू वाई इज इक्वल टू एट, ये वैसे ही रह जाएगा। तो अब इसे हमें जोड़ना है, तो ये देखिए इससे कट गया यानी इलिमिनेट हो गया, प्लस माइनस है। तो अब बच गया मेरे सामने, क्या बचा, ये बच गया वन बाई फोर एक्स प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू एट माइनस वन बाई टू होगा इतना। देयरफॉर अब ये हो गया फोर, इसका एलसीएम हो जाएगा फोर एक्स, तो ये वन हो गया प्लस ये हो जाएगा फोर इज इक्वल टू सिक्सटीन माइनस वन बाई ये टू हो जाएगा, सही है, बराबर ये हो गया फिफ्टीन बाई टू। दिस टेंस टू फाइव बाई फोर एक्स इज इक्वल टू फिफ्टीन बाई टू, दिस टेंस टू वन बाई एक्स इज इक्वल टू फिफ्टीन बाई टू, और इधर ये गुणा है तो इधर आएगा तो भाग हो गया पाँच बटा चार इज इक्वल टू फिफ्टीन बाई टू इंटू फोर बाई फाइव। अब ये पाँच से कटेगा पंद्रह तो तीन हो जाएगा, और इससे ये कटेगा दो तो ये हो जाएगा दो, हो गया। दिस टेंस टू वन बाई एक्स इज इक्वल टू सिक्स, और एक्स इज इक्वल टू फोर वन बाई सिक्स, ये हमारा एक्स का मान आ गया। ठीक है, अब पुटिंग एक्स इज इक्वल टू वन बाई सिक्स इन इक्वेशन वन,
देयर फॉर कितना हो जाएगा? इक्वेशन वन है, वन बाई टू एक्स माइनस वन बाई वाई इज इक्वल टू माइनस वन, ठीक है। दिस टेंस टू वन बाई टू इंटू वन बाई सिक्स माइनस वन बटा वाई इज इक्वल टू माइनस वन। दिस टेंस टू, अब ये दो से, इस दो से ये कट गया तो ये थ्री हो गया। दिस टेंस टू, ये थ्री हो गया, दिस इज इक्वल टू वाई। अब ये हो गया माइनस वन बटा वाई इज इक्वल टू, चूंकि यहाँ थ्री प्लस है तो राइट साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस वन माइनस थ्री इज इक्वल टू माइनस फोर। टेंस टू माइनस वन बटा वाई इज इक्वल टू माइनस फोर। अब ये देखिए माइनस है, ये भी माइनस है, दोनों तरफ माइनस है, तो माइनस माइनस कैंसल हो गया और वन बटा वाई इज इक्वल टू फोर। तो वाई इज इक्वल टू वन बाई फोर। हो गया। अब ये हमारा वाई का मान हो गया। देयर फॉर रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इज इक्वल टू एक्स बराबर वन बाई सिक्स एंड वाई इज इक्वल टू वन बाई फोर आंसर हो गया। पहले प्रोसेस से जब मैंने सॉल्व किया था तो उसमें भी एक्स का मान वन बाई सिक्स आया था और वाई का मान एक बटा चार आया था, और इस प्रोसेस से भी हमें उतना ही मान प्राप्त हुआ। इसका मतलब कि दोनों प्रोसेस सही है। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके अवश्य बताएंगे, और उसके साथ ही आपको अगर कहीं दिक्कत होती है तो उसे भी कमेंट करके बताएंगे। वीडियो सही लगा तो लाइक शेयर कर दें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।